उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते जा रहे। आज उत्तराखंड में कोरोना के 512 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का कहर जारी हो गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 24, बागेश्वर में 6, चमोली में 57, चंपावत में 5, देहरादून में 210, हरिद्वार में 43, नैनीताल में 71, पौड़ी में 38, पिथौरागढ़ में 34, रुद्रप्रयाग में 28, टिहरी गढ़वाल में 31, उधमसिंह नगर में 30 और उत्तरकाशी में 8 कोरोना के नए मामले सामने आए। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 70,790, वहीं 64,851 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4,166 केस एक्टिव हैं, 1,166 लोगों की अब तक मौत हो गई है। अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 2,212, बागेश्वर में 1,109, चमोली में 2,453, चंपावत में 1,252, देहरादून में 19,990, हरिद्वार में 11,679, नैनीताल में 8,189, पौड़ी गढ़वाल में 3,868, पिथौरागढ़ में 1,900, रुद्रप्रयाग में 1,780, टिहरी गढ़वाल में 3,445, उधमसिंह नगर में 10,055, उत्तरकाशी में 2,928, टोटल मामले 70,775 हो गए हैं। वहीं बड़ी खबर आई है, हत्या आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाबालिग को भगाने वाला भी चढ़ा हत्थे। तो विकासनगर से खबर आई है, तो विकासनगर पुलिस जहां हत्या का आरोपी की तलाश कर रही थी, वहीं रायपुर पुलिस नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में तलाश में जुटी थी। आज दोनों की आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शीतकाल के लिए जोशीमठ पहुंची आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, 6 माह तक यहीं होगी पूजा अर्चना। तो आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी शीतकालीन गद्दी स्थल नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंच गई है, अब 6 माह तक यहीं पूजा अर्चना होगी। एमबीपीजी कॉलेज छात्रों का धरना, ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग। तो हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज के गेट के बाहर छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने बीए और बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश से वंचित छात्रों के लिए ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया फिर से चालू करने की मांग की है। देहरादून में बाजार बंद होने का फर्जी मैसेज वायरल हुआ है। तो देहरादून में बाजार बंद होने का फर्जी मैसेज वायरल हो गया रहा है। दून उद्योग व्यापार मंडल ने किसी तरह की बंदी होने से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ फर्जी मैसेज आया था, जिससे बताया गया था कि रविवार को बाजार बंद रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए रविवार को सभी बाजार खुले रहेंगे। शहीद राकेश डोभाल के परिजनों को रोटरी क्लब ने दी 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता। तो बीएसएफ की तोपखाना यूनिट में तैनात उप निरीक्षक राकेश डोभाल बीते शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में शहीद हो गए थे।